हाय फ्रेंड्स, तो आप अभी देख रहे हैं मेरा जो छोटा सा ग्रास कार्प का तालाब है। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मैं इसका वाटर मैनेजमेंट जो होता है कि पानी को कैसे क्लीन रखा जाए, तो वो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा कि ग्रास कार्प मैंने इसमें डाल रखा है, इस छोटे से तालाब में। और जो मैंने केले का पौधा लगाया था वो और फ्रूटिंग भी देने लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसमें देखिए फ्रूटिंग आ गया है। इस तरह से कई पौधे हैं जो फ्रूटिंग दे रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे होंगे और वहाँ पे देखिए फिर और भी हैं। तो इस तरह से किनारे किनारे जो मेड़ होते हैं तालाब के, उसके ऊपर मैंने केले लगा रखा है। तो आपको दो बेनिफिट हो जाएंगे इसमें, आपका जो केला का फल आएगा उससे भी इनकम होगा, या उसका लुत्फ़ आप उठा सकते हैं और अपने लिए भी। और अगर आप देखा जाए तो केले के पौधे जो होते हैं और मछलियों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो तो आप इनके पत्तों को, तनों को काट के इसमें डाल सकते हैं। या फिर अगर आप ग्रास कार्प पाल रहे हैं तो कुछ मात्रा में जो इनकी पत्तियाँ होती है उसे आप इन्हें दे सकते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। हालांकि मैं इन्हें ज़्यादातर पपीता का जो पत्ता होता है उसे प्रोवाइड करता हूँ, वे बहुत चाव से खाते हैं। और गोभी का फसल मैं अपने खेत में लगा रखा हूँ तो उसे भी वे बहुत चाव से खाते हैं, गोभी के पत्ते। तो फिलहाल मैं आपको ये दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अपना पानी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ तालाब का। तो देख सकते हैं कि पानी जो फ्रेश वाटर है और जो मोटर पंप है उसके थ्रू इसमें आ रहा है। और एक और पंप यहाँ लगा हुआ है, आपको मैं एक ये देख लीजिए, ये जो पाइप लगा हुआ है इसके अंदर, तो इससे मैं इसका पानी निकाल देता हूँ। मान लीजिए कि किसी सिंचाई करना है अपना खेत तो वो इसे कर सकता है। तो अभी देखिए ये भी मोटर चालू है, यहाँ जो मेरा छोटा सा बैकयार्ड फार्म है उसके अंदर ही मैं मोटर रखा हूँ। ये देखिए ये पाइप गया है इसके अंदर, तालाब का पाइप यहाँ से इसके अंदर गया मोटर में, ये भी चालू है। और इसका पानी आप देख सकते हैं, इसका पानी जा रहा है और उधर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका पानी वहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इसका पानी देखिए वहाँ जा रहा है, वो दूसरे किसान हैं जो अपना खेत का सिंचाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जो वाटर मैनेजमेंट है मेरे तालाब का वो मैं करते रहता हूँ, इससे मछलियाँ काफ़ी स्वस्थ रहती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, कोई अमोनिया का फैक्टर नहीं होता है। तो आपका बहुत इजीली वे में आप इसे आसानी से अपना पानी जो तालाब का है क्लीन कर सकते हैं। ये आप मेरा गोभी का खेत देख रहे हैं, ऐसे में मैं पपाया भी फार्मिंग कर लेता हूँ। तो ये भी जो मेरा खेत है इसका भी सिंचाई मैं इसी से करता हूँ। तो इस तरह से आप बहुत ही कम बजट में जो आपका तालाब है उसका पानी को आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये पूरा दूर तक आप खेत देख रहे हैं, तो ये सारा सिंचाई इसी से होता है और जो फ्रेश पानी है उसमें डाल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप ये जान पाए होंगे कि आप भी किस तरह से वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि ये पपीते के पत्ते को कितने चाव से खाते हैं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।